अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, मैं हूं तुफैल अहमद खान और आप लोग देख रहे हैं डेली स्टार्ट हदीस। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज की अपडेट लगातार आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज। प्यारे दोस्तों, कोई इंसान किसी को दुख देकर कभी खुशी हासिल नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पर जब कोई इंसान अपने घर वालों को दुख देता है तो वो बहुत सारी परेशानियों और गमों का शिकार हो जाता है। यह वाकया ध्यान से सुनिएगा और अपने दिल पर लिख लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक बार एक रास्ते से गुजर रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक शख्स अपने बीबी को मार रहा है। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह तबारक व तआला से डर। ऐ इंसान, तेरे गमों, तेरी परेशानियों और तेरी गुर्बत की सबसे बड़ी सजा ये है कि तू अपनी बीबी को दुख देता है और उस पर हाथ उठाता है, और तेरी बीबी तेरी वजह से तेरे घर में रोती है। ये तेरे गमों और तेरे परेशानियों की सबसे बड़ी वजह है। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए इंसान, मैं अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना है कि जो इंसान अपने बीबी को दुख देता है, अपनी बीबी को मारता है, उसे रुलाता है, उसे तकलीफ़ देता है, तो उसके इस गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के रिज़्क फरिश्ते उस घर में तशरीफ नहीं लाते जिस घर में औरत रोती हो। अल्लाह अकबर। और इस इंसान को गम, परेशानी, दुख और गुर्बत घेर लेती है। और ऐ इंसान, अगर तू चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे रिज्क और शोहरत अता करे तो अपनी बीबी को कभी मत मारना, उसे मत रुलाना, और इस बात का ख्याल रखना कि तेरी बीबी तेरी वजह से तेरे घर में ना रोए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि लोग अपने बीवी पर हाथ उठाते हैं, उसे रुलाते हैं, उसे दुख देते हैं, उसे तकलीफ देते हैं और कहते हैं कि पता नहीं क्या वजह है कि मेरे कारोबार में बरकत नहीं हो रही, पता नहीं क्या वजह है कि मेरे रिज्क में बेबरकती है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैं अपने घर में अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे बंदे को दुख दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बीबी को दुख देने वाला अपने रिज्क को कम कर लेता है। हमारी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सदके जारिया समझकर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।